मैंने दो लिफाफे भेजे हैं तुम्हारे लिए वहाँ पर। एक लिफाफे में वो पैसे हैं जो रौनक को तुम्हें देने हैं और दूसरे में एक्स्ट्रा 2 लाख हैं तुम्हारे काम के। रौनक के खाने पीने जूस जो भी है उन सब का ख्याल रखना और ध्यान रखना कि उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। 24 घंटे के बाद बताऊंगा कि आगे करना क्या है। मम्मी, नानू और डैड किधर हैं? तू टेंशन मत ले, सगाई से पहले वो पहुंच ही जाएंगे। तुम मतलब आप अकेली आ रही हो? तो मुझे बोलना चाहिए था ना, मैं पिक करने आता आपको एयरपोर्ट से। चुप कर, मुझे तुम दोनों को अच्छे से निहारने दे। कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों, सच। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अरे भैया संभाल के। किसे डांट किसे रही हो आप? पता नहीं बेटा, ये ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है। उसको तो बचपन में ही समझ में आ गया था कि अच्छी खुशी के लिए सिर्फ अच्छा लड़का सब कुछ नहीं होता, अच्छा वड्डा परिवार और कामयाबी भी होना जरूरी है। अरे क्या जरूरत है बेटा, मुझे खुद से कैब बुक करना आता है, तुम्हीं ने तो सिखाया था। और वैसे भी अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, बिल्कुल तारा की तरह। क्यों तारा? हाँ जी आंटी जी। आंटी जी। मम्मी, मिस्टर मलिक, 24 घंटे में आपकी जिंदगी बदलने वाली है डॉक्टर साहब। ओके सर, प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। तारा, क्या था इंस्पेक्टर ने? यही कि वो एयरपोर्ट का रूट चेक कर रहे हैं और जैसे कुछ पता चलता है बताते हैं। तारा प्लीज तुम्हें काम करो, गाड़ी के बाहर देखती रहो कोई गाड़ी, कौन सी गाड़ी दिखे कि ना गाड़ी का नंबर पता है ना गाड़ी का रंग। रिलैक्स सर, जून मिल जाएंगी आंटी। मिस्टर मलिक की कार। अर्जुन प्लीज हाथ मत उठाना। बदला लेने के लिए इतना गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मेरी माँ पे आ गया तू? हाँ, मेरी माँ किधर है मिस्टर मलिक? तुम्हारी माँ? हाँ मेरी माँ। अर्जुन छोड़ उसे। मम्मी, मम्मी आप ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। Thank God. रब के साथ साथ थोड़ा शुक्रिया अदा इनका भी कर लो। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई है। आज अगर इन्होंने मेरी जान नहीं बचाई होती तो ड्राइवर ने पेड़ से टक्कर। अगर आपको आना था तो आपने मुझे क्यों नहीं बोला? मैं खुद पिक करने आता ना आपको। सरप्राइज देना चाहती थी तुम्हें, पर यहाँ आकर मुझे ही सरप्राइज मिल गया कि तुम दोनों इस बच्चे को जानते हो। ये मिस्टर मलिक है, तारा की सो कॉल बॉस। ये सो कॉल क्या होता है, नाम से बुलाना। बेटा, तुम तारा के बॉस हो तो जाहिर है कि आज शाम एंगेजमेंट पार्टी में तुम जरूर आओगे। तारा और अर्जुन ने तुम्हें इनवाइट किया है ना? नहीं किया है। लेकिन इनकी बहन ने किया है इनवाइट मुझे। बिजी होंगी ना,
एंगेजमेंट है तो भूल गई होंगी, क्यों तारा मैम? हाँ लेकिन अगर दुल्हा दुल्हन बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। ये बच्चे क्या बोलेंगे, इनवाइट करना तो बड़ों का काम होता है। अब मैं आ गई हूँ तो अब मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आज शाम की पार्टी में आप सिर्फ गेस्ट नहीं बल्कि चीफ गेस्ट होंगे और आपके आने से सबसे ज्यादा खुशी मुझे महसूस होगी। आपने मेरी जान बचाई है बेटा जी। थैंक यू। बेटा भी कह दिया और थैंक यू भी बोल रही है। जब पराया करना था तो अपना बनाया क्यों? मम्मी चलिए आप गाड़ी में जाके बैठिए। तारा ध्यान से जाना बेटा, शाम को मिल दो। थैंक यू मिस्टर मालिक। मैं परवरिश का अच्छा नहीं हूं लेकिन परिवार को समझता हूं। जो बात हमारे बीच है हमारे बीच ही रहेगी। और वैसे भी आज तो खुशी का दिन है ना, आज किसी की एंगेजमेंट है। लेकिन उस एंगेजमेंट का ना मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और आऊंगा जरूर, क्योंकि अब तो मेरे पास डबल इनविटेशन है। तो मिलते हैं शाम को। सच बताऊं सरप्राइज तो बस एक बहाना था। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, आज फाइनली वो दिन आ गया है। हाँ मम्मी अब थोड़ा ना सांस ले लो, कौन बोलेगा कि अभी अभी आपका एक्सीडेंट हुआ था। खुशी ही इतनी है, इसके सामने सारे शॉकिंग एक्सपीरियंसेस फेल है। कितना अच्छा लग रहा है घर वापस आकर और तुम दोनों को। साथ में देखकर इस रिश्ते का सुनकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। सच तारा, अच्छा हुआ तुमने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते। वेलकम जी। वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। आप कैसी हैं अमृत जी? बस ठीक। हमने सुना रास्ते में आपके साथ वो जी आग लगी। ड्राइवर नो कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी को भी गाड़ी चलाने दे देते। बहन जी आपको कोई चोट वोट तो नहीं लगी? बेटे की सगाई में हाथ बटाने आई हूँ, मुझे कुछ नहीं होना है। वो जी वो नाना साहब और केशव भाई साहब वो नहीं है। वो सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि वो आ नहीं पाए, पर शादी के लिए अपनी बहू को लेने जरूर आएंगे। हम अपनी बहू को घर लेकर ही जाएंगे। क्यों अर्जुन? हाँ बिल्कुल। बेटा तुम्हारे लिए कोई छोड़ दे गया है। धन्यवाद काका। जाइए आप। ठीक है बेटा जी। आपकी सगाई का तोहफा तैयार है तारा मैम। अब देखते हैं
इसे देखने के बाद आप सगाई करती हैं या नहीं? भाई भाई ये सुनो, रौनक का वॉइस मेल। अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो, बोलो सारा, छोड़ो सारा, छोड़ो कौन हो तुम? भाई रौनक प्रॉब्लम है, लगता है कुछ लोगों ने उसे। और तुम्हें लग रहा है वो सच बोल रहा है? परवरी वो एक नंबर का फ्रॉड है, ड्रामा है ये उसका। भाई लेकिन अगर ये 1% भी सच हुआ तो? वो सिर्फ तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, समझी? अब छोड़ो ये सब बातें और जाकर रेडी हो जाओ, मैं शाम के फंक्शन के लिए लेट नहीं होना चाहता। पर भाई वो वही मिलेगा, देखना तुम। आज मेरी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है, काश तुम मेरे साथ होते तो मेरी हिम्मत बनते थे। जब तक धरती तब तक दोस्ती। तारा बेटा मैं अंदर आ जाऊं? हाँ जी आंटी जी, आप ही का तो घर है। ये हमारा बस मकान था, घर तो इसे तुमने बनाया है। आओ बैठो। कितनी सुंदर लग रही हो, और अर्जुन के साथ तो तुम और भी सुंदर लगोगी। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। और हाँ टेंशन मत लेना, वनराज भाई साहब जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। बेटा तुम्हें याद है बचपन में तुम मुझे कितना कहती थी कि आंटी मेरी मम्मी का नाम अमृता है, तो आपका नाम आपने अमृत क्यों रखा? उस बात का जवाब मैं तुम्हें आज देती हूँ। मेरा नाम अमृत इसीलिए पड़ा क्योंकि किस्मत मुझे भी एक मौका देना चाहती थी तुम्हारी माँ बनने का। बेटा मैं तुम में अपने आप को देखती हूँ। आज सिर्फ मुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे मेरे बेटे की सगाई है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी की भी सगाई हो। इसीलिए इतनी खुश हूं मैं। मुझे पता है तुम ये शादी सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही, तुमसे बस एक बात कहना चाहती हूं, तुमने जो फैसला लिया है वो सही है। अर्जुन तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं जानती हूँ तुमने जिंदगी में बहुत सहा है, पर मेरी एक बात याद रखना बेटा, रात जितनी गमगीन होती है सुबह उतनी ही हसीन होती है। सब ठीक हो जाएगा, खुश रहो। सब ठीक है तारा, और सब ठीक ही होगा। वेलकम सर, वेलकम वेलकम मलिक साहब। ओ जी हम तो आप ही की राह देख रहे थे, हैं जी? क्यों? मिस्टर डॉक्टर और तारा मैम को अंगूठी मुझे ही पकड़ानी है क्या? वेल सेड मलिक साहब, वेल सेड। जोक था। आइए ना, आइए। थैंक यू। आइए
तारा मैम कहाँ है? ये अपने रूम में है, आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। माँ के झुमके खो दिए क्या मैंने? यहीं तो रखे थे। अनन्या जी, एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? श्योर। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? कैसी हैं तारा मैम? आज नहीं मिस्टर मलिक, ना कहनी है ना ही सुननी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चला जाऊंगा तारा मैम, लेकिन कहा था ना आपसे कि आपकी सगाई है तो आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा और ऐसा तोहफा लेकर आऊंगा जिसे आप याद रखेंगे। देख लीजिए, उसके बाद बेशक चला जाऊंगा यहां से। थैंक्स, मुझे लगा था घूम गए। थैंक्स मत कहिए, क्योंकि गिफ्ट ये नहीं है और गुम नहीं हुए थे, चोर ने चोरी कर लिया था। देखना चाहेंगे आप? तारा, इन लोगों ने मुझे लटका के रख रखा है, मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो तारा प्लीज। मिस्टर मलिक, क्या है ये सब? कुछ पूछ रही हूँ आपसे, ये सब क्या था? कहाँ है रौनक भैया? कुछ पूछ रही हूँ आपसे मिस्टर मलिक, इतना कैसे गिर सकते हैं? चाहते क्या है आप? दो शर्तें हैं मेरी, दो, उन्हें पूरी कीजिए और अपने भाई को बचा लीजिए। कैसी शर्तें, क्या बोल रहे हैं आप? मिस्टर मलिक, ये लीजिए पान। मिस्टर मलिक, मैं आपको नीचे पूछना ही भूल गई, आपको कुछ और चाहिए था? थैंक यू अनन्या। अपना फोन अपने पास रखिए, और इतनी समझदार तो है यहाँ, किससे क्या कहना है और क्या नहीं बखूबी समझती है। तारा मैम, सगाई मुबारक, आशा करता हूँ गिफ्ट पसंद आया होगा आपको।